हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं आज बात करने वाला हूँ कि अपने आप बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, वो भी विद इन वन डे के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर। जी हाँ दोस्तों, शायद आप हम अपने शरीर को ऊपर से तो साफ़ कर पाते हैं, लेकिन अंदर से उसको साफ़ करने के विचार में कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि अंदर से क्लीन करना, अंदर की जो गंदगी उसको बाहर निकालना हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि आप अंदर की गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे तो धीरे धीरे करके वो क्या होता है, अंदर ही अंदर क्या होता है, सड़ने लगता है और वो पॉइजन बनने लगता है। इसीलिए मैं आज बात करने वाला हूँ कि आप अपने शरीर के अंदर की गंदगी को कैसे अपने बाहर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, वैसे तो कोई भी बीमारी का जो मेन कारण होता है वो शरीर में जमी हुई गंदगी के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, शायद इसके बारे में आप सभी लोग सुने होंगे। बहुत लोग यही बोलते हैं, यदि शरीर में आपके गंदगी जमी रहती है इसके कारण आपको बीमारी हो सकती है। तो यदि आपके शरीर में गंदगी नहीं रहेगी तो आपका वजन जो होगा ऑटोमेटिक कम होने लगेगा, आपकी स्किन पर निखार आएगा, आपके चेहरे पर निखार आएगा, आपके चेहरे पर दाग धब्बे पिंपल्स झुर्रियाँ इस सब की जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी और आपको अच्छी नींद आएगी। आप जो है पहले से बेटर और एनर्जेटिक फील करेंगे। इसके साथ साथ जो आपके शरीर की सारी बीमारियां हैं वो भी दूर होने लगेंगी। तो जी हाँ, इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने अंदर की जो भी चीज़ें जमा हुई हैं, जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी ख़राब पदार्थ है, मटेरियल है, उसको बाहर निकालना, उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को निकालने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा पाचन तंत्र किस तरीके से काम करता है, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले आप कोई भी फूड मटेरियल लेते हैं अपने मुंह से, इसके बाद क्या होता है, स्टमक में जाता है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं, इसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम बड़ी आंत बोलते हैं, इसके बाद आपका जो फीकल मेटल होता है, खराब पदार्थ होता है, इसके बाद वो आउटपुट हो जाता है यानी बाहर हो जाता है। तो इसको आइए हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आपका किस किस प्लेस पर ये जो टॉक्सिन्स है यानी जो खराब पदार्थ है वो जमा हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो है आपके स्टमक में यानी पेट में, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन, यानी जो हमारी आंतें होती हैं और हमारा जो पेट होता है, इस जगह पर आपको जो है टॉक्सिन्स आपको इकट्ठा देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे हम आप जो भी फूड लेते हैं उसके अनुसार हमारा पाचन तंत्र काम करता है, डाइजेशन काम करता है। जैसे यदि हम फ्रूट की बात कर ले, यदि जब भी आप फ्रूट यानी फल इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर या 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर उसका जो डाइजेशन यानी पाचन हो जाता है। जबकि यदि वहीं हम वेजिटेबल की बात कर लें, जो सब्जियाँ आती है उसके लिए हम पाचन की बात करें तो लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। वहीं ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जो फूड आते हैं, फूड मटेरियल जो मीट वगैरह यूज की जाती हैं, तो उसका यदि हम बात करें, कई कई ऐसे फूड होते हैं जिसका 1 से 2 दिन लग जाता है डाइजेशन यानी पाचन में। कई ऐसे फास्ट फूड आते हैं जिसका भी सेवन करने से आपको लगभग 1 से 2 दिन लग जाते हैं। जैसे मैदे वगैरह यदि आप इस्तेमाल करें तो उसका पाचन जो होता है बहुत ही लंबे समय में उसका पाचन हो पाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आप कोई भी फूड ले रहे हैं उसका पाचन होने से पहले आप दूसरा फूड इस्तेमाल कर ले रहे हैं। आज के इस चलते फिरते माहौल को देखते हुए लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको किस तरीके से किस समय में कौन सी चीज़ें उपयोग करनी चाहिए। कहीं भी जा रहे हैं तुरंत कुछ चीज़ें खा ले रहे हैं, उसके बाद कहीं वहाँ से निकल रहे हैं दूसरी जगह तो वहाँ भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका डाइजेशन यानी पाचन बहुत ही लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय से हो पाता है। तो फ्रेंड, इससे क्या होता है, एक फूड आपका पाचन नहीं हो पाता उसके बजाय तो आप दूसरा हैवी फूड ले लेते हैं जो कि क्या होता है, उसका पाचन नहीं हो पाता है और हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत में धीरे धीरे जमाव इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और सड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारे पेट में गैस, अपच, इसके साथ साथ बदहजमी, और आप ये भी जानते हैं कि हमारे जो इंटेस्टाइन जो आंतें होती हैं उस पर यदि कोई भी गंदगी चिपक जाती है तो उससे वो आपके बॉडी में धीरे धीरे करके जाना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी शरीर के अंदर यानी ब्लड में यानी जो खून होता है, क्योंकि उसी से जो हमारा प्रोटीन होता है, फाइबर्स जो होते हैं या विटामिन्स मिनरल्स होते हैं उसका डाइजेशन पाचन होता है। तो उसके साथ साथ हमारे बॉडी में जो होती है वो टॉक्सिन्स भी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले के लोग क्या करते थे, आप जानते होंगे जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे, फास्टिंग का काम करते थे, यानी जो व्रत जिसको त्यौहार के रूप में अलग अलग तरीके से मनाए जाते थे उसको फास्टिंग के रूप में लेते थे, क्योंकि उसको ऐसा बोलने से कि हाँ ये त्यौहार है इसमें व्रत ये रहा जाता है वो रहा जाता है, इससे क्या होता है लोग अपना व्रत स्टार्ट करते थे, जबकि वो आपके बॉडी के लिए, आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसीलिए क्या होता है, इसको अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है ताकि आप फास्ट करें, आप व्रत रहें, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो आपके पेट के लिए। तो फ्रेंड, आपको करना क्या है, वीक में यानी 1 सप्ताह में कम से कम एक बार फास्टिंग रखना है,
जिससे क्या होगा कि आपको लगभग 24 घंटे में 16 घंटे आपको भोजन इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ भी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल नहीं करनी है जो कि आपके लिए हैवी हो सके, यानी आपके बॉडी के लिए, आपके पाचन के लिए बहुत ज़्यादा भारी हो सके, वो पचा ना सके। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं उसको आपको कैसे करना है। तो यदि हम शाम को 7 बजे भोजन कर रहे हैं तो अगले सुबह लगभग 11 बजे के अंदर, इसके अंदर अंदर आपको कुछ भी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। सिर्फ यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वाटर, नॉर्मल वाटर यानी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप भोजन में कुछ भी ना चीज़ें इस्तेमाल करें। उसके बाद यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी तुरंत डायरेक्ट हैवी फूड नहीं इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ आपको जैसे फ्रूट हो गए, इसके साथ साथ वेजिटेबल सब्जियाँ, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना है। उसके पहले आपको 1 गिलास नींबू और पानी हल्का गुनगुना करके आपको इस्तेमाल करना है, जिससे क्या होगा आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स, जो जमे हुए खराब पदार्थ हैं, वो क्या होगा धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका पाचन भी सही तरीके से हो पाएगा और आपके अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। क्योंकि यदि आप नींबू पानी इस्तेमाल करेंगे तो नींबू में क्या होता है एंटी ऑक्सीडेंट यानी विटामिन सी, एंटी ऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे अमाउंट में होती है, जो कि यदि हम एंटी ऑक्सीडेंट की बात करें तो ये क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उसको रिमूव करने का काम करते हैं, यानी जो खराब पदार्थ बने रहते हैं हमारे शरीर में उसको बाहर निकलने का काम करते हैं। इसलिए क्या होता है नींबू पानी का सेवन यदि आप सुबह यदि आप खाली पेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपके बॉडी जो होता है आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाएगी और आपको ये सब समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड, इस 16 घंटे फास्टिंग के बाद आपको नारियल पानी, प्लेन पानी, इसके साथ साथ जूस वगैरह इस्तेमाल करना है, जिससे क्या होगा उसका पाचन बहुत ही फास्ट हो जाएगा और आपका जो डाइजेशन होगा वो धीरे धीरे करके क्लीन हो जाएगा। इसके बाद आप धीरे धीरे करके नॉर्मल आप भोजन का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा आप फास्ट फूड की तरफ प्रेफर ना हुए, जिससे क्या होता हो सकता है आपके पेट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा हो जाए और धीरे धीरे करके वो बहुत ही खतरनाक साबित हो जाए आपके लिए। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरे के पास जरूर शेयर करिएगा, जिससे क्या होता है हमारे वीडियो और लोगों के पास पहुँचती है आपके 1 लाइक से, जिससे क्या होता है उनको भी इसके विषय में नॉलेज हो पाता है। तो फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।